गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बोर्ड प्लॉट। ठीक है, तो बोर्ड प्लॉट क्या है? बोर्ड प्लॉट हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर फंक्शन की फॉर डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। बोर्ड प्लॉट हमारा दो सेपरेट प्लॉट्स कंसिस्ट करता है, जिसमें एक प्लॉट हमारा होता है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेंसी और एक प्लॉट होता है हमारा फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये दो बोर्ड प्लॉट होते हैं, दो प्लॉट होते हैं सेम प्लॉट के अंदर, जिसको बोलते हैं बोर्ड प्लॉट। ठीक है, तो जो प्लॉट है वो कंसिस्ट करता है मेनली, फर्स्ट जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है 20 log 10 जी जे ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी लूप ओमेगा, एंड सेकंड वन इज फेज शिफ्ट वर्सेस लूप ओमेगा। ठीक है, तो ये दो प्लॉट हमारे एक बोर्ड प्लॉट कंसिस्ट करता है, और बोर्ड प्लॉट को हम एक स्पेशल टाइप के पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेमिलोग्राफ पेपर। ठीक है, तो जो लॉग स्केल है फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर स्केल फॉर मैग्नीट्यूड इन डेसिमल डेसिबल्स और फेज एंगल इन डिग्रीज। जो हमारी मेन एडवांटेज होती है बोर्ड प्लॉट को यूज करने की वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और बोर्ड प्लॉट स्टार्ट करने से पहले जो एक बात है वो हमें पता होनी चाहिए, मींस हमें टाइप ऑफ द सिस्टम पता होनी चाहिए कि किस टाइप का हमारा सिस्टम है। टाइप जैसे आपने सुना भी होगा, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, इस तरह से हमें सिस्टम की टाइप पता होनी चाहिए कि कैसे। अब सवाल आता है कि वो टाइप होगी क्या, कैसे पता लगेगी? तो टाइप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मान लीजिए ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, GSHS is equal to K upon S की पावर N। तो जो ये S की पावर N means जो ये कैपिटल N है, ये हमें डिफाइन करेगा कि what is the type of system। अगर n हमारा इज इक्वल टू जीरो है तो देन टाइप जीरो सिस्टम, अगर n इक्वल्स टू वन है तो दिस इज टाइप वन सिस्टम, अगर n इक्वल्स टू टू है तो दिस इज टाइप टू सिस्टम। ठीक है, और दूसरी चीज एक जो बात आती है वो है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या टाइप है और क्या ऑर्डर है सिस्टम का। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाइप तो हमें ये जो एस की पावर होगी ये बताएगी, एन की वैल्यू से पता लगेगा, और ऑर्डर हमारा होता है कि जो डिनोमिनेटर में पूरी की पूरी इक्वेशन है। मान लीजिए मैं इसके साथ यहाँ पे एस प्लस वन और लिख देता हूँ, तो और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एन इज इक्वल टू जीरो है, तो फॉर दिस इक्वेशन जो टाइप होगा वो तो जीरो सिस्टम होगा, टाइप इज जीरो and order for this equation is 1। ठीक है, if we consider n is equal to 1 then type 1 and order 2, because order इसीलिए एक ज्यादा चल रहा है क्योंकि यहाँ पे s की पावर 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे s की पावर 2 होती, ठीक है, तो सेम फॉर टाइप 0 सिस्टम, अगर मैं n s equal to s की पावर n is 0 लूँ, तो फॉर n इज इक्वल टू जीरो के लिए जो टाइप है वो जीरो होती और ऑर्डर यहाँ टू होता, टाइप वन ऑर्डर थ्री। मीन्स के जो टोटल पावर होगी डिनोमिनेटर में s की, दैट इज अवर ऑर्डर, एंड जो ये वाला s होगा जो इक्वेशन से बाहर है उसकी पावर जो n होगी, उससे हमें फाइंड आउट होता है टाइप ऑफ सिस्टम कि किस टाइप का है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज को क्लियर होगी अभी कि कैसे हम टाइप और किस तरह से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। अब क्लास, जब हमने टाइप
का पता लग गया है कि सिस्टम की टाइप कैसे फाइंड आउट करती है, तो बोर्ड प्लॉट में जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमें पता होना चाहिए वो है कि हम इनिशियल स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये टेबल का पता होना चाहिए। अब टाइप ऑफ द सिस्टम आपको पता है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, एन है। तो हमें जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे स्टेटमेंट को, तो उससे देखते ही हमें ये पता लग जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में जो इनिशियल स्लोप होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि इनिशियल स्लोप क्या है। मान लो आपका डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन है उसमें एस की जो पावर है, जो जैसे अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो मान लो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, जी एस इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1 + 0.1 एस एंड 1 + 0.001 एस, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो इस अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में एस की पावर क्या है, जीरो है, यहाँ पे एस की पावर जीरो है। तो जो इस इक्वेशन में इनिशियल स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, दिस इज टाइप जीरो सिस्टम, तो जो इनिशियल स्लोप होगा वो 0 dB/dK होगा, और जो इंटरसेक्शन होगा वो पैरेलल टू जीरो एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि जो इसमें इनिशियल स्लोप आएगा वो पैरेलल टू जीरो एक्सिस आएगा। इसी तरह से अगर मान लो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें यहाँ एस की इस तरह से है, एस इंटू 1 + दिस, तो इस न्यूमेरिकल को हम देखते ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसका इनिशियल स्लोप होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा, -20 dB/dK से स्टार्ट होगा, एंड जो पैरेलल जो इंटरसेक्शन होगा वो इज इक्वल टू k होगा, ठीक है, जो मीन्स जो k अवर k इज दिस, ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन इसके इक्वल होगा। इसी तरह से जैसे जैसे टाइप ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगा हमारा जो इनिशियल स्लोप है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो इंटरसेक्शन होगा वो k की पावर सेम जो सिस्टम होगा वो बनता चला जाएगा। जैसे यहाँ टाइप टू सिस्टम के लिए देखें तो यहाँ k की पावर 1/2, टाइप थ्री के लिए k की पावर 1/3 एंड सो ऑन फॉर सिस्टम n k की पावर 1/n, ठीक है। तो इस तरह से हम इनिशियल स्लोप फाइंड आउट करते हैं। होपफुली ये आपको पता लग गया होगा, हाउ वी फाइंड द इनिशियल स्लोप ऑफ द सिस्टम। क्लास आफ्टर फाइंडिंग द इनिशियल स्लोप इन बोर्ड प्लॉट वी डिस्कस द अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज मिनिमम फेज सिस्टम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। पेपर में हमेशा ये टॉपिक आता ही है, इसकी डेफिनेशन और इस तरह से बनाना कि डिफाइन करना मिनिमम फेज सिस्टम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम फेज सिस्टम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, ठीक है। बेसिकली मिनिमम फेज सिस्टम है क्या, देखो, द ट्रांसफर फंक्शन हैविंग नो पोल्स एंड जीरोस इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन आर कॉल्ड मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। A system with minimum phase transfer function are called minimum phase system, ठीक है, and the transfer function having poles and zeros in the right half of S plane are called non-minimum phase transfer function. System with non-minimum phase transfer function are called non-minimum phase system. For example, G1 j omega is equal to 1 + j omega TA / 1 + j omega TB, ठीक है। तो अगर हम इसको S plane में draw करें तो एक पोल जो है वो -1/TB पे है एंड द जीरो इज -1/TA। तो कोई भी हमारा पोल और जीरो वो राइट हैंड
हाफ में नहीं है एस प्लेन के, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिनिमम फेज सिस्टम। अगर इस वाले एग्जांपल में देखें तो इसमें जो हमारी जीरो है वो हमारी राइट हाफ में लाई कर रही है एस प्लेन के, और जो पोल है वो लेफ्ट में। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये कई बार पेपर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है इस पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने इसमें नेक्स्ट चीज बात समझनी है वो है फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस तरह से प्लॉट ड्रॉ होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड दिस इज कॉल्ड फेज प्लॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जब जहाँ पे हमारी जो फेज वाली लाइन है जब हम वो ड्रॉ करेंगे और वो 0 dB को क्रॉस करेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं ग्रेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से जो एंगल वाला प्लॉट है जब वो -180 degree को क्रॉस करेगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसमें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो जब फाइंड आउट करेंगे वो किस तरह से करेंगे, जब हमारे ये वाले जो प्लॉट हैं ये ड्रॉ हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ डालेंगे। ठीक है, जो हमारा एंगल प्लॉट है, एंड इसी तरह से जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है उससे एक परपेंडिकुलर अबाव डालेंगे जो हमारे 0 dB पे कट करेगा जाके। उसके बाद जब हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो जो ये वाला होगा जो आपको नंबर 1 दिख रहा होगा, इस गैप को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, जो इस तरफ एक्सिस पे गिवन है, तो जितने भी ये मार्जिन होगा दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेन मार्जिन। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव गेन मार्जिन बोलते हैं। और इसी तरह से जो 180 के अबाव होगा और जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा होगा पॉजिटिव फेज मार्जिन। अगर हमारा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उस केस में हम जो हमारा सिस्टम होगा वो एक स्टेबल सिस्टम होगा, अदरवाइज आवर सिस्टम इज अनस्टेबल। मान लीजिए ये चीज ऊपर की तरफ आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस ग्राफ को, ये ग्राफ अगर हमारा इस तरह से ना बन के हमारा ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो अब हम जब परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से और ये डालेंगे हम यहां से, तो जो ये वाला होगा हमारा पोजीशन, दिस इज आवर This is our gain crossover frequency and this is our phase crossover frequency। ठीक है, तो अब जो ये margin निकला ये वाला, that is नेगेटिव फेज मार्जिन। नेगेटिव फेज मार्जिन एंड दिस इज अवर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अवर नेगेटिव गेन मार्जिन। ठीक है, तो अगर इस तरह से मेरा मार्जिन आता है नेगेटिव गेन मार्जिन और नेगेटिव फेज मार्जिन, तो मेरा सिस्टम होगा वो कहलाएगा अनस्टेबल सिस्टम। इस कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं
stable system की stability with the help of board plot after finding out the gain margin and phase margin. तो ये हमें क्वेश्चन में निकालना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है. ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके कि कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों को एक न्यूमेरिकल के ऊपर. किस तरह से हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, किस तरह से फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, हाउ वी फाइंड आउट गेन मार्जिन एंड हाउ वी फाइंड आउट फेज मार्जिन. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.